हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं एफआई बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आई हूं। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आप सभी का सेकेंड मेरिट लिस्ट तो लग चुका है, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट्स आर देयर जिसका अभी भी नाम नहीं आया है, या फिर हमने फॉर्म तो फिलअप किया था, आपने जैसे बताया था उसी तरह से हमने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म एंड कॉलेज का फॉर्म दोनों फिलअप किया था, मेरे परसेंटेज भी बहुत अच्छे थे, तो भी मेरा नाम क्यों नहीं आया सेकेंड मेरिट लिस्ट में। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स वन बाय वन। सो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। एंड यस स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जल्द ही इसी चैनल पे एफआई बीकॉम की स्टडीज लेके आने वाली हूँ। सो आप अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट एंड रेगुलर लेक्चर्स मिलते रहे। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को गाइड करें। सो लेट्स स्टार्ट विद टूडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का 25 अगस्त को मेरिट लिस्ट तो लग चुका था और लग चुका है, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट्स आर देयर जिसका नाम नहीं आया, तो देर आर सम क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आज सॉल्व करने वाली। सो पहला, व्हाट आफ्टर सेकेंड मेरिट लिस्ट, अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद हमें क्या करना है। तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग जिसका नाम आ चुका है उनको क्या करना है, और सेकेंड थिंग जिसका नाम नहीं आया उनको क्या करना है। नेक्स्ट वन, अगर मैंने कॉलेज का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो अभी मैं कर सकता हूँ क्या, ये डाउट है। नेक्स्ट वन, अगर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो मैं वो भी कर सकता हूँ क्या, उसके लिए भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, माय नेम डजंट अपीयर इन द सेकेंड मेरिट लिस्ट, मेरा नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं है, मेरे तो परसेंटेज भी बहुत अच्छे थे, मैंने आपने जैसे गाइड किया था वैसे ही मैंने फॉर्म फिलअप भी किया था, बट तो भी मेरा नाम नहीं आया है। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। सो पहली तो ये बात कि आपको कौन से दो फॉर्म फिलअप करने थे। जो स्टूडेंट्स ये पहली बार वीडियो देख रहा है या फिर जिसको कुछ भी नहीं पता, पहले मैं उनको बताना चाहूँगी कि आपको एज अ स्टूडेंट्स ऑफ एफआई बीकॉम, जो अभी आप बैठने वाले एफआई बीकॉम में, तो आपके लिए दो फॉर्म फिलअप करने थे। एक था आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म एंड सेकेंड आपका था दैट इज कॉलेज का फॉर्म। अगर आपने दोनों फिलअप नहीं किया तो कंपलसरी आपको फिलअप करना है। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है उसका डेट है रीओपन हो चुका है, और उसका जो लास्ट डेट है टू फिलअप दैट इज 10 सितंबर। ये स्टूडेंट 10 सितंबर तक आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर ही देना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका पूरा साल वेस्ट होगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको कॉलेज की वेबसाइट पर जाके कॉलेज का पर्सनल फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉलेज वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन लिंक पे जाना है और उसके साथ आपको फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैंने कॉलेज का फॉर्म नहीं फिलअप किया बट सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप किया, तो आप पर्सनली कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म देखिए उनका एप्लीकेशन लिंक ओपन है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली फिलअप कीजिए। अभी मेरिट लिस्ट तो लग चुका है, बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा भी मैसेज आ रहा था कि मैम हमें मेरिट लिस्ट लग तो चुका है बट हमें नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, शाम को 25 अगस्त को शाम से मेरिट लिस्ट लगना शुरू हुआ था और 26 को तो ऑलमोस्ट ऑल कॉलेज ने अपनी मेरिट लिस्ट लगा दी थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जिस कॉलेज में आपने नाम डाला है वहाँ पे जाके, कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आपको मेरिट लिस्ट के टैब पे जाना है ताकि आपको मेरिट लिस्ट दिख पाए। उसमें FIBMS, FIBCOM, FIBank, उस तरह से अलग अलग मेरिट लिस्ट लगाई गई है स्टूडेंट्स वाइज एज वेल एज कोर्स वाइज। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म कंपलसरी फिलअप करना है, अगर आपने नहीं किया तो 10 सितंबर इज़ द लास्ट डेट। और अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं आया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ। ऐसा आपके माइंड में डाउट हो सकता है कि आपने मुंबई यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज का भी फॉर्म फिलअप किया, आपके परसेंटेज भी बहुत अच्छे थे, बट स्टिल योर नेम डजंट अपीयर इन द सेकेंड मेरिट लिस्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टार्ट में भरा होगा फॉर्म तो डेफिनेटली आपका नाम आया रहेगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में, अगर परसेंटेज अच्छे। बट अगर आपने साइट ओपन होने के बाद भरा है फॉर्म, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट क्लोज हो चुका था बट उसके बाद 14 अगस्त को क्लोज हो चुका था, अगर तभी आपने फॉर्म नहीं भरा था और सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद, मतलब 14 अगस्त के बाद अगर आपने फॉर्म भरा है जहाँ पे
मुंबई यूनिवर्सिटी ने वापस से लिंक ओपन की थी, अगर तभी आपने फॉर्म भरा है स्टूडेंट्स, तो आपका नाम नहीं आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में, आपको वेट करना पड़ेगा, आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आएगा। तो आई थिंक सम स्टूडेंट्स है जिसने मुझे कमेंट में भी पूछा था, मैंने उनको भी आंसर किया है। जिस स्टूडेंट्स ने मेरिट मतलब 14 अगस्त के बाद फॉर्म फिलअप किया है, उनका सभी का थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद नाम आएगा, भले आपके परसेंटेज कितनी भी अच्छी हो, बट आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद ही आएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, जो स्टूडेंट्स को अच्छी परसेंटेज मिले बट उनका नाम नहीं आए, और अभी ऐसे स्टूडेंट जिसका नाम एक्सपेक्टेशन था कि आ सकता है, 2 or 3% का डिफरेंस था, तो वो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि आप वेट करो, सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो आप वेट करो एंड क्लोजिंग परसेंट क्लोजिंग मेरिट लिस्ट देखो कि कितने पे क्लोज हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, जजमेंट लगा सकते हो कि आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं। एज यू नो वेरी वेल कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट 30 अगस्त को है, तो थर्ड मेरिट लिस्ट तक वेट कर सकते हो, कुछ करना नहीं, जस्ट यू हैव टू वेट ही। एंड जिसका नाम आ चुका है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेड्यूल ऑलरेडी गिवन है कि 26 अगस्त तक आपको जो जिसका सेकेंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था उनको सब करना था, नेक्स्ट 30 अगस्त तक जिसका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है उनको वेरीफाई करने डॉक्यूमेंट्स, एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि 10 का क्लास मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, अभी तो आपको 12 का मार्कशीट भी मिल चुका है। नेक्स्ट थिंग कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आप माइग्रेशन हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू वेरीफाइड, एंड आपको फीस पे करना है एंड अपना एडमिशन कंफर्म करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आने वाला है या आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप इन हाउस में एडमिशन ले लो। आप इन हाउस स्टूडेंट में, एज ए इन हाउस स्टूडेंट आप एडमिशन ले लो वो कॉलेज में। सेकेंड थिंग, हम ये बोल सकते हैं कि आसपास जो कॉलेज है जहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन भी अलाउड है, उन्होंने खुद ने कॉल करके आपको बोला है, तो वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। ज़्यादा वेट मत कीजिए, अगर आपको गारंटी है कि आपका नाम नहीं आने वाला है तो वेट मत कीजिए, एंड इफ़ यू नो कि नाम आ जाएगा तो यू कैन वेट टिल थर्ड मेरिट लिस्ट। तो आई थिंक दिस वॉज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको देना नेसेसरी था। बेसिकली द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिसका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं है उनको वेट करना है फॉर द थर्ड मेरिट लिस्ट, एंड अगर आपने फॉर्म 14 के बाद भरा है तो डेफिनेटली आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद ही आएगा। सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको बार बार एप्लीकेशन लिंक कॉलेज का अगर चालू नहीं है तो चेक करना है रेगुलरली, थोड़ा सा अलर्ट रहिए एंड आपके एडमिशन्स को कंफर्म कीजिए। सो आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल। सो थैंक यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी, थैंक यू ऑल।